हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। तो आज चिल्लर पार्टी हम लगाएंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2। तो इससे पहले की एक्सरसाइज 1.1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपको एनसीईआरटी के सारे सोल्यूशन चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर एक फोल्डर सर्च करें क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी मैथ सोल्यूशन। आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लेकर जितनी भी एक्सरसाइज हैं सारे सोल्यूशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे वीडियोस के थ्रू जितना भी आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो इनके सोल्यूशन आप स्कूल की कॉपी में लिखें। उससे क्या होगा, आपको डबल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल की कॉपी में यही उतार लें आप, है ना, और यही चेक करा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर वन के अंदर इसने पूछा है कि दिए हुए स्टेटमेंट में बारे में बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं, और जस्टिफाई और आंसर अपना, जो ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, उसका रीज़न भी तुम्हें क्या करना है देना है। तो पहला पार्ट देखिए, इसके अंदर तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इज अ रियल नंबर, राइट। बताइए भाई ये ट्रू है या फॉल्स है, कि हर इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। तो बिल्कुल ट्रू है ये, क्या है ये ट्रू। अब ट्रू है तो क्यों है ट्रू, पहले ये बताइए, क्योंकि आपको मालूम है जब मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसका पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर के अंदर जो सारे नंबर आते हैं उसमें स्पेशली दो होते हैं, एक आपका रैशनल नंबर और एक क्या इरेशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्यों, बिकॉज रियल नंबर्स इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, ऐसे लिख लीजिए शॉर्टकट में, रैशनल प्लस इरेशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, है ना। तो जितने भी रैशनल होंगे वो भी सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और जितने रैशनल होंगे वो भी क्या होंगे, रियल नंबर। चाहे रैशनल हो चाहे रैशनल हो, दोनों क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स ही कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया आपका, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट ये है आपका कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ एम, वेयर एम क्या है, यहाँ पर एम इज अ नेचुरल नंबर, एम इज अ नेचुरल नंबर। इज दैट क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर होते हैं तो क्या वो स्क्वायर रूट ऑफ एम की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां एम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। चलिए मैं देखता हूं, पहले चेक करता हूं, ये ले लो 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर ले लो -1, -2, -3, -4, -5। अब एवरी पॉइंट की बात कर रहा है तो मैंने जो आपके नंबर लाइन पे नंबर शो करते हैं वो वाले ले लिए मैंने, राइट। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि देखो 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। और इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख सकता हूं, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 25 लिख सकता हूं। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर के लिए तो लिख सकते हैं, लेकिन 0 के लिए आप नहीं लिख सकते। तो देखो 0 के लिए इसके अंदर आप क्या लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे। तो नेचुरल नंबर ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि जिसका स्क्वायर रूट क्या निकल कर आ जाए, 0 आ जाए। इवन नेगेटिव नंबर के लिए भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर जो m होगा ना वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है। इज दैट क्लियर। तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, क्या हो गया, फॉल्स।
क्वेश्चन आ रहा है समझ में? क्वेश्चन ये है कि नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट है तो क्या वो स्क्वायर रूट ऑफ एम की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां एम तुम्हें क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है, तो हम लिखेंगे फॉल्स, है ना। फॉल्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका रीज़न लिखे ले वो, बिकॉज मैं बोलता जा रहा हूँ, या लिखिए लिख दो, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर कैन बी ऑब्टेन, नो नेगेटिव नंबर कैन बी ऑब्टेन बाई स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, है ना। जीरो के लिए भी लिख सकता हूँ, या नेगेटिव नंबर के लिए लिखता हूँ, कोई भी नेगेटिव नंबर नंबर नाइन पर स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर से नहीं लिख सकते आप, तो इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, है ना। अगर मन में लड्डू फूटा हो तो फटाफट पहले चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। देखिए एपीटी अड्डा के साथ बने रहें, आप जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, अभी आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है ना, या हो चुका है, तो सबसे पहले तुम्हें तो एनसीईआरटी लगाना पड़ेगी। एनसीईआरटी अच्छे से लगाइए, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी क्या लगाएं, उसके लिए आप इंडिविजुअल फोल्डर में जाएंगे चैप्टर के, और उसमें आपके आरडी शर्मा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, सभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी के लिए आपको एनसीईआरटी के फोल्डर में ही जाना पड़ेगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, है ना। तो ये तो गलत हो गया, कैसे फॉल्स हो गया, ये क्यों हो गया फॉल्स, अभी मैंने आपको बताया था, बिकॉज जो रियल नंबर होते हैं वो दो नंबर से मिलकर बने होते हैं, किससे, रैशनल प्लस इरेशनल। तो इसने क्या बोला है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, तो फॉल्स हो गया। रियल नंबर ऑल्सो कंटेंस, लिख लीजिए, बिकॉज रियल नंबर ऑल्सो कंटेंस रैशनल नंबर, सो देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। तो सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकते, उसमें रैशनल भी होते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी बढ़िया है। इसमें लिखा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? नहीं होता है, कुछ का होता है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर आप ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, इनका स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, राइट। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का 1 आ जाएगा, इसका रूट 2 ही रहेगा, इसका 2 आ जाएगा, है ना, और इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सारे पॉजिटिव इंटीजर का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें कुछ रेशनल आएंगे, है ना। जैसे 1 का स्क्वायर रूट रेशनल है, 4 का स्क्वायर रूट रेशनल है, 9 का स्क्वायर रूट भी क्या है, रेशनल है, लेकिन कुछ क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे। लेकिन उसने बोला है क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? नो, आंसर क्या लिखेंगे, नो, स्क्वायर रूट ऑफ, लिख लीजिए, नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। अब उसने बोला है कि इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल, वो क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो एग्जांपल ले लीजिए आप, एग्जांपल ले लो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा, 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होगा, 3, इसके आगे रैशनल लिख लेना, क्या लिख लेना यहाँ पर, रैशनल, ये कैसे नंबर हैं, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये बात से तो कन्फर्म है कि हर नंबर, हर पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट रैशनल नहीं होता है। तो होता किसका इरेशनल है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 2 हो गया, है ना, 3 हो गया, 5 हो गया, इनका स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें 4 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत बढ़िया, ये एग्जाम में आता ही आता है कि रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन दी नंबर लाइन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, 5 को लिखेंगे 4+1, है ना, फिर 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस
वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, टू टू जो फोर हो वन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, है ना, इन्फिनिटी मतलब आगे तक अनकाउंटेबल। तो इसके लिए ये साइन बनाया जाता है इन्फिनिटी का। ये यहाँ पे ज़ीरो ले लीजिए, वन वन यूनिट इधर बढ़ाइए वन, और ये कितना हो गया टू थ्री फोर फाइव, राइट। अब यहाँ पे टू के स्क्वायर के लिए आप दो यूनिट ये ले लें, दो सेंटीमीटर ले लें, चाहे दो यूनिट ले लें। अब यहाँ पर वन सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर डालेंगे, वन सेंटीमीटर का क्या डालेंगे परपेंडिकुलर, इसे पी ले लें, इसे क्या ले लें क्यू ले लें, और इसको इससे क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। तो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। ये कंडीशन देखो कैसे पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगी। ओ क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ये टू यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, तो टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो ये हो गया ओ क्यू इक्वल टू कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर। तो टू टू जो फोर प्लस वन इज इक्वल टू अंडर रूट फाइव। तो ये लाइन किसको शो कर रही है, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव को शो कर रही है। इसको सेंटर मानकर यहाँ पर राउंडर रखेंगे, कंपास रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, और एक क्या लगाएंगे आर्क लगाएंगे। तो ये आर्क नंबर लाइन को मान लो आर पे कट करती है, तो नंबर लाइन पे जो ओ आर होगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। ओ आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, है ना, सिंपल सा है, लिख लीजिए आप इसको, है ना। चलिए आगे बढ़े, ओके। हर चैप्टर के अलग अलग फोल्डर में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं होंगे। एनसीईआरटी के लिए तो मैं एनसीईआरटी के फोल्डर में जाना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा, ये क्लासरूम एक्टिविटी है कि आपको एक स्पाइरल बनाना है। स्पाइरल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे इंक्रीज होता चला जाता है। अब ये स्पाइरल तो आपने किससे बना दिया, सर्कल से बना दिया। अपने अपने को अभी जो स्पाइरल बनाना है वो स्क्वायर रूट से बनाना है। कौन सा, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप वन यूनिट का एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओपी, राइट। फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे वन यूनिट का, कितने यूनिट का, वन यूनिट का, राइट। और इसको इससे मिलाएंगे, और ये पहला पॉइंट आप तो क्या हो जाएगा, इसको डॉटेड मिलाइए इसको, ठीक है, ये डॉटेड हो गया। इसको ले लो पी वन, क्लियर। तो बताइए भाई ओ पी वन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, अभी पाइथागोरस लगाई थी, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ टू हो गया, राइट। अब यहाँ से स्पाइरल बनाना स्टार्ट कर देंगे हम, कैसे, अब पी वन से फिर परपेंडिकुलर डालेंगे हम, कितने यूनिट का, वन यूनिट का, टीनी टीनी। इसके से आप रखें यहाँ पर 90 डिग्री का, और से डी से बना लें आप, और इस पॉइंट को ले लें आप क्या पी टू, और ये भी कितने यूनिट का, वन यूनिट का, इसको इससे मिला दीजिए आप। तो ये ओ पी टू कितना हो जाएगा, ओ पी टू हो जाएगा आपका रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, राइट। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालें इसके ऊपर पी थ्री पॉइंट पर, है ना, कितने सेंटीमीटर का, वन सेंटीमीटर का, इसको इससे मिलाएं, राइट। तो यहाँ से ओ पी थ्री कितना हो जाएगा, ओ पी थ्री हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो रूट थ्री का थ्री प्लस वन, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर, या तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर रहने दें या फिर टू लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे वन यूनिट का, तो दैट इज़ पी फोर, इसको इससे मिलाएंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ओ पी फोर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फोर प्लस वन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फाइव, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ फाइव। तो इस तरीके से जब आप परपेंडिकुलर डालते रहेंगे तो ये क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो आप बड़े से चार्ट पेपर पर आप ये एक्टिविटी अपने क्लास टीचर को क्या कर सकते हैं, पकड़ा सकते हैं अच्छे से बनाकर, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।